ताबुद्दीन साहब के जाने के बाद आरजेडी से भी हिना साहब लड़ी हैं, और उस समय भी उनके हालात क्या थे सिवान में वो हम लोगों ने देखा है। आरजेडी से अलग होकर के भी लड़ी, तभी हम लोगों ने वो हालात देखा। देखिए, जो आदमी कोई कुछ कर जाता है, अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। वक्फ बोर्ड की बात, तो वक्फ बोर्ड का निर्माण किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो क्या देश के लोगों से पूछा जो कमज़ोर वर्ग के मुसलमान हैं वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन लोगों में तो खुशी है कि ये चीज़ हो रहा है तो वो हो, लेकिन कुछ मठाधीश टाइप के लोग इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, और लोगों को, मुसलमानों को बरगलाने का ये काम बरगलाएं, लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। विकास के पटरी पर देश आगे बढ़ चुका है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और देश आगे बढ़े। कंट्रोवर्सियल पोस्ट मेरा नहीं होता है, मेरा राष्ट्रवादी पोस्ट होता है, और सत्य को अगर सत्य नहीं कहा जाए और उससे अगर आंख मूंद लिया जाए तो यह समस्याओं से भागना। भारत में तो एक वर्ग है जिसको मजबूत भारत अच्छा नहीं लग रहा, अपने पैरों पर खड़ा भारत अच्छा नहीं लग रहा है, दुनिया में सीना तान कर चलने वाला भारत अच्छा नहीं लग रहा। अभी विधानसभा का चुनाव से पहले ही, अभी से ही पूरी सरगर्मियाँ धीरे धीरे तेज़ हो रही है, किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट रहेगा, अभी से ही हलचलें तेज़ हो गई है। तेजस्वी यादव भी एक सभा करना चालू कर दिए हैं, और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर भी लगातार तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी से कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारी लड़ाई जो है आमने सामने होने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव में, तो इसी को लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए ओम प्रकाश सिंह हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी जिला परिषद भी हैं उसके गांव से, तो इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से कहा था कि मैं न समस्याओं को टालता हूँ और न समस्याओं को पालता हूँ। आपको खुश करने के लिए हम आपके लायक बातें मैं नहीं कर सकता, मुझे बात अगर करनी है तो वो सत्य के आधारित, सत्य पर अगर आधारित है वही बात मैं कहूँगा। ये नहीं कि मेरी चिकनी चुपड़ी बातें कहने से आप खुश हो जाएं और उसके बाद से आपके पैर के तले आपकी ज़मीन खींच लिया जाए। आज सच्चर कमेटी बनने की आवश्यकता क्यों हुई? मुसलमानों की माली हालत जानने के लिए। कौन रहा इस देश में ज़्यादा दिनों तक हुकूमत में? कांग्रेस रही। अगर मुसलमानों की स्थिति उसके बावजूद भी ख़राब है तो उसमें तो कांग्रेस जिम्मेवार है या ये इंडी गठबंधन के लोग जिम्मेवार हैं? तेजस्वी यादव चाहे कितना हो चिल्ला लें, लेकिन लालू यादव के लड़के हैं, इससे वो मुँह नहीं मोड़ सकते। वो लालू यादव जो चारा चोर, खजाना चोर, मेधा घोटाला, दर्जनों मामले उनके ऊपर हैं, तो बिहार की जनता जानती है कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। भले ये 20 साल, 25 साल, 30 साल के नौजवान नहीं जानते हों, लेकिन जिनका उम्र 35 साल, 40 साल होगा वो जानते हैं कि बिहार में जंगल राज था। भाजपा की लड़ाई किससे होने वाली है? तेजस्वी प्रसाद यादव से होने वाली है, जनसुराज से होने वाली है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में हिंदुस्तान में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का कैसे निराकरण हो सके, बिहार आज तक अभी तक कितना ख़राब स्थिति में था, उसको 2005 से लेकर अब तक उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रह करके उस कचड़े से निकाल करके एक दिखने वाले बिहार को बनाने का काम किया। आगे बिहार में संभावनाएं बहुत हैं और उन संभावनाओं को हम अपना एक उसको चैलेंज मान करके हम एक विकसित बिहार बनाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। 10 वर्षों में जो हिंदुस्तान के लोग सोचते थे कि भारत का कायाकल्प हो सकता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने वो दिखलाया। जो हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे उसको 10 साल के अंदर उन्होंने 5वीं अर्थव्यवस्था बना करके दिखलाया। आत्मनिर्भर भारत बने, यह मंत्र लोगों को दिया। भारत की शाख दुनिया में बढ़ी है, भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, तो
और भारत के जो नौजवान हैं जिनके अंदर जो काबिलियत है उसको कैसे उनके प्रतिभा को निकाला जा सके और उनको रोज़गार से जोड़ा जा सके, इसके लिए ये सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हो रहा है। और वही चीज़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार को इसका जो अतीत रहा है, गौरवशाली अतीत रहा है, उस अतीत को कैसे हम पुनः इसको स्थापित कर सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। एक और चर्चा चल रही है विगत अगर एक दो महीने से अगर बात करें तो लगातार मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मदरसे को कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का एक बिल लाया गया है। वैसे में ईरान से भी एक ट्वीट आया था उसको लेकर के भारत सरकार ने तो अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दी है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? लगता है कि जो गाजा में जो हो रहा है, जो बर्मा में हो रहा है, क्या वही सेम चीज़ें जो है मुसलमानों के साथ भारत में भी हो रहा है? नहीं, भारत में तो एक वर्ग है जिसको मजबूत भारत अच्छा नहीं लग रहा है, अपने पैरों पर खड़ा भारत अच्छा नहीं लग रहा है, दुनिया में सीना तान कर चलने वाला भारत अच्छा नहीं लग रहा है। वो भारत जो दुनिया की सबसे प्रमुख महाशक्ति बनने के मार्ग में आगे बढ़ चुका है, उसका कैसे लेग पुलिंग किया जाए, इसके लिए इंडी गठबंधन के लोग पर्याप्त हैं। और आपने कहा कि मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, अगर मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर अवैध रूप से अगर उसका निर्माण हुआ है, भारत सरकार के या जो स्थानीय सरकार है उसको लगता है कि यह नियम के विपरीत हुआ है, तो आपको नियम को हाथ में लेने की इजाज़त कानून नहीं देता है। रही वक्फ बोर्ड की बात, तो वक्फ बोर्ड का निर्माण किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो क्या देश के लोगों से पूछा? और जब कानून बनते हैं, भारत के संविधान में 395 धाराएं हैं, लगभग 125 धाराओं में अमेंडमेंट हो चुका है, उसमें भी सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकारों ने किया। तो कानून बनता है, उसके बाद उस कानून में क्या खामी है उसका परिमार्जन करने के लिए संसद को यह अधिकार प्राप्त है। और ऐसा अगर हो रहा है, इससे कमज़ोर वर्ग के मुसलमान, क्या इस देश के रहने वाले जो कमज़ोर वर्ग के मुसलमान हैं वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन लोगों में तो खुशी है कि ये चीज़ हो रहा है तो वो हो, लेकिन कुछ मठाधीश टाइप के लोग इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है और लोगों को, मुसलमानों को बरगलाने का ये काम करते हैं, तो वो बरगलाएं। लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, विकास के पटरी पर देश आगे बढ़ चुका है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और देश आगे बढ़ेगा जी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के देख रहे हैं कि पूरे बिहार में भाजपा जो है एक सदस्य बनाने को लेकर के अभियान चला रही है, तो आपने अभी तक कितने सदस्य बनाए? देखिए, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे एक नंबर की पार्टी रही है, अब नरेंद्र मोदी जी भी नए सदस्य बने हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। मुझे बैकुंठपुर विधानसभा का पालक बनाया गया है सदस्यता को लेकर के, तो अगर आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो मैं बैकुंठपुर गया था, सारे शक्ति केंद्रों पर तो नहीं लेकिन लगभग आधे शक्ति केंद्रों पर मैं पहुंच करके वहां पर सदस्यता अभियान को गति कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए हमने वहां के जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं या फिर मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को उसके लिए आदमी उत्प्रेरित कर रहा है और तेज़ी से सदस्यता अभियान चल रहा है। भाजपा में अगर सदर सीट की अगर हम बात करें तो सदर सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो अभी से लोग, जो लोग पूर्व से जुड़े हुए हैं भाजपा से, वो लोग अभी से एकदम उतावले हो गए हैं कि भाई हमको तो ये सीट पे जो है हमको टिकट मिलना है। तो आप भी बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका भी मन है कि हाँ हमको भी सदर सीट से हमको भी चुनाव लड़ना है? नहीं, मैं मन क्या है, मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ और 2005 में भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ और 2001 से जिला परिषद का चुनाव लड़ते रहा हूँ। तीसरी बार मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ, पिछली बार मैं 72-73 मतों से मैं चुनाव हार गया था। तो राजनीति में वही लोग ना चुनाव लड़ेंगे जी जिनके अपने जनाधार हो। और रही बात हमारी, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम का एक दीवानगी है, इसको लेकर के हम लोग राजनीति में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हम सदस्य हैं और पार्टी भी जानती है कि किसको कब कहां से चुनाव लड़ाना है। तो
जो भी राजनीति में है उसकी महत्वाकांक्षा तो रहती है चुनाव लड़ने की, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी को ही करना। आपका फेसबुक वॉल पर जाएंगे तो लगातार जो है कंट्रोवर्शियल पोस्ट आपका होता है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये बस टिकट के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, कंट्रोवर्शियल पोस्ट मेरा नहीं होता है, मेरा राष्ट्रवादी पोस्ट होता है। और सत्य को अगर सत्य नहीं कहा जाए और उससे अगर आँख मूंद लिया जाए तो यह समस्याओं से भागना हुआ। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से कहा था कि मैं न समस्याओं को टालता हूँ और न समस्याओं को पालता हूँ। आपको खुश करने के लिए हम आपके लायक बातें मैं नहीं कर सकता। मुझे बात अगर करनी है तो वो सत्य के आधारित, सत्य पर अगर आधारित है वही बात मैं कहूँगा। ये नहीं कि मेरी चिकनी चुपड़ी बातें कहने से आप खुश हो जाएं और उसके बाद से आपके पैर के तले आपकी ज़मीन खींच लिया जाए। आज सचर कमेटी बनने की आवश्यकता क्यों हुई? मुसलमानों की माली हालत जानने के लिए। कौन रहा इस देश में ज़्यादा दिनों तक हुकूमत में? कांग्रेस रही। अगर मुसलमानों की स्थिति उसके बावजूद भी ख़राब है तो उसमें तो कांग्रेस जिम्मेवार है या ये इंडी गठबंधन के लोग जिम्मेवार हैं? नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया और राशन फ्री में पाना हो या इंदिरा आवास के तहत घर बनना हो या नल जल की योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर आपको आयुष्मान भारत का लाभ लेना हो, तो ये तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को इकोनॉमिकली मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन मुसलमान हैं कि वो उनके दिमाग में एक बात है कि हमें नरेंद्र मोदी को मदद नहीं करना है, वोट नहीं देना है नरेंद्र मोदी को। तो उसके पीछे कारण ये इंडी गठबंधन के लोग हैं और वो जाने कि उनको क्या निर्णय लेना है, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियां नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। जी, एक और चर्चा जो है अभी से चालू हो गई है, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, पिछली जो बीती है उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी और हिना साहब जो है अलग से जो है चुनाव लड़े थे और अभी बताया जा रहा है कि दोनों लोग जो है मिल गए हैं, तो इस बार और भी ज़्यादा मजबूती से जो है वो लोग लड़ेंगे और मुसलमान पूरा एक तरफ हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद आरजेडी से भी हिना साहब लड़ी हैं और उस समय भी उनके हालात क्या थे सिवान में वो हम लोगों ने देखा है। आरजेडी से अलग होकर के भी लड़ी तभी हम लोगों ने वो हालात देखा। देखिए, जो आदमी कोई कुछ कर जाता है अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। तेजस्वी यादव चाहे कितना हो चिल्ला लें, लेकिन लालू यादव के लड़के हैं इससे वो मुंह नहीं मोड़ सकते। वो लालू यादव जो चारा चोर, खजाना चोर, मेधा घोटाला, दर्जनों मामले उनके ऊपर हैं, तो बिहार की जनता जानती है कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। भले ये 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान नहीं जानते हों, लेकिन जिनका उम्र 35 साल 40 साल होगा वो जानते हैं कि बिहार में जंगल राज था। कभी किसी की हत्या हो जाना, कभी किसी का लूट हो जाना, बिहार अंधेरे में रहा करता था। आज जहाँ भी जाइए आप एकदम रोशनी आपको मिलेगी। सड़कें नहीं थीं, आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए। विद्यालयों में भवन नहीं थे, आज विद्यालयों की स्थिति देख लीजिए। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सदर अस्पताल में आप 2005 के पहले गए होंगे तो 10 कुत्ते मिलते थे, 2-4 भैंस और गायें बंधी हुई मिलती थी, आज वहाँ पर लोगों की भीड़ आपको मिलती है। तो ये चीज़ जो NDA ने किया है बिहार के लिए, ये एक ऐसा क्षण है जो लालू यादव और लालू यादव के कुनबे को यह रास नहीं आएगा। जी, अभी हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह थे, आप इनको सुन रहे थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।